वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज हम इस खास रिपोर्ट में आपको उन्नाव के कुछ गांवों की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। देखिए, उन्नाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर मतदान होने में कुछ ही समय बचा है। भाजपा के सांसद, तमाम भाजपा नेता सरकार की योजनाओं का बखान करने से नहीं हिचकिचाते। जी हाँ, कहते हैं मछधार में नैया डोले तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। राजेश खन्ना और शमरा टैगोर का फरमाया ये गीत वैसे तो मनोरंजन के लिए गाना है, लेकिन इसके हर शब्द मौजूदा वक्त के तंत्र से मिलते जुलते हैं। सच तो ये है कि जब निगरानी करने वाला ताने बाने के शिल्पाचार भ्रष्टाचार को पाल पोस रहा हो तो उसे कौन ठीक कर सकेगा। जी हाँ, आज हमारे न्यूज़ वॉल इंडिया की टीम के रिपोर्टर विपिन शर्मा भाजपा सांसद के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गांव की हकीकत परखने के लिए पहुंचे तो वहां की तस्वीर बदहाली पर आंसू बहा रही थी। हमारे सहयोगी विपिन शर्मा पहले फतेहपुर चौरासी के चंडिका खेड़ा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने ही भाजपा सांसद साक्षी महाराज के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ये गांव अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का गांव है और इन गांव में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने भी पहुंचे थे, पर उसी दौरान स्मारक के पास करीब आधा दर्जन कच्चे मकान बने दिखे तो सांसद ने कच्चे मकानों को बैनर पोस्टर से पाट दिया था। सवाल अब ये उठता है कि सांसद द्वारा जिस गाँव को गोद लिया गया है, उस गाँव में विकास की तस्वीरें आखिर मुख्यमंत्री से क्यों छुपाई गई है। हम इस समय उन्नाव के टीकरगढ़ी गांव पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जिस गांव को गोद लिया है, हालांकि वो गांव काफ़ी चर्चित है और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि 10 सालों में किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह की सड़कें हैं, तो साफ तौर से ये गांव की सड़कें जो हैं किस तरह बदहाली है और साफ तौर से 10 सालों में जो विकास हुआ सामने दिख रहा है। लेकिन बात करें अगर महाराज की तो किस तरह का यहाँ विकास हुआ, लोगों से बात करेंगे सीधे तौर पर। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, सीधे तौर से उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फिलहाल ये कौन सा गांव है? टीकरगढ़ी। आपके यहाँ सांसद साक्षी महाराज ने गांव को गोद लिया है, किस तरह का विकास है यहाँ? अब देख लो, सड़क देख लो ना, सड़कें नहीं बनी। अरे दिखा रहा आपको तो दिखा रहा। सांसद साक्षी महाराज आते हैं गांव? हाँ आते हैं। और क्या विकास रह गए यहाँ? और भैया यही विकास रहे जो है तो पड़ा है। अच्छा, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था? कुछ भी नहीं। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली है, बिजली है। यहाँ बोरिंग वोरिंग मिली मुख्यमंत्री आवास योजना वगैरह? कुछ नहीं। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह का विकास है यहाँ पर। ये टीकरगढ़ी गांव है जहाँ पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जिस गांव को गोद लिया, लेकिन गांव जो है पूरी तरीके से बदहाली के आंसू रो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुधीर वर्मा। सुधीर जी, इस गाँव को सांसद ने गोद लिया है जी, किस तरह की तस्वीर है यहाँ की? यहाँ पे आप देख लिए, रोटी कोई नहीं बनी है, ना नालियाँ बनी है, ना तो पानी की सुविधा कोई है। एक नल है, पूरा मोहल्ला पानी पीता है और पूरा पानी पीता है। लाइन लगाना पड़ता है सुबह बच्चों के लिए, लंच के लिए हमको दिक्कत होती है। साक्षी महाराज कह रहे हैं कि बहुत विकास किया हमने गाँव में। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ रोड भी नहीं बनी, ना कुछ भी नहीं बना। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो साक्षी महाराज का गोद लिया गाँव टीकरगढ़ी अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नल है, इस नल की तस्वीर देख लीजिए, इस यहाँ पर एक नल है और इसी नल से लोग यहाँ पर कई मोहल्लों के लोग जो हैं पानी भरकर पीते हैं, तो कह सकते हैं कि किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। उन्नाव से विपिन शर्मा। जब हमारी टीम दूसरे गांव पहुंची, जहां भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सबसे पहले 2015 से 2016 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत टीकरगढ़ी गाँव को गोद लिया, हमारी टीम पहुँचते ही गाँव के विकास पर पहली नजर पड़ी, जहां ग्रामीण मायूस होकर हमारे कैमरे पर गांव की बदहाली बयां करते नजर आए। ग्रामीणों ने भाजपा सांसद पर सीधा आरोप लगाया, बोले 10 साल से लगातार भाजपा से साक्षी महाराज उन्नाव लोकसभा से सांसद हैं, पर सांसद के द्वारा गोद लिए गांव में सड़कें नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, गांव में एक भी नल नहीं लगा है और एक ही नल है तो वो भी खस्ता हाल में। उसी नल से कई मोहल्ले के लोग सुबह से लाइन लगाकर पानी भरते हैं। अब ऐसे में विकसित भारत की तस्वीरें डरावनी हैं। कई ग्रामीणों ने बताया कि गांव सड़कें 10 साल से नहीं बनी है, पर चुनाव आते ही ग्राम प्रधान ने चुनाव से मात्र कुछ महीने पहले ही इसे बनवाने के वादे और दावे किए हैं। तो ये है हकीकत इन गांवों की, जो सांसदों द्वारा गोद लिए गए हैं और ये कहा गया है कि इनका जिम्मा सांसद का है। कितनी हकीकत है, कितना फसाना, अपने ग्राउंड जीरो पर देखा।
हमारी टीम इस वक्त उन्नाव के चंदिकाखेड़ा गांव पहुंच चुकी है। वो चंदिकाखेड़ा गांव जहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, और ये वही प्रतिमा है जिस प्रतिमा को मुख्यमंत्री ने अनावरण किया था। लेकिन मुख्यमंत्री जब दौरे पर थे, यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, उसके बाद जो गाँव के बाहर तस्वीरें हैं वो बदहाली बयां कर रही थी। उस गाँव के बाहर जो कच्चे मकान हैं उनको बैनर और पोस्टरों से ढकने का काम किया गया था ताकि जो विकास कार्य हैं उनको छुपाया जा सके। तो कह सकते हैं कि जिस गांव को उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने गोद लिया था, तो उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं सरकार के सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं कि मुख्यमंत्री का दौरा और सांसद साक्षी महाराज के द्वारा इन कच्चे मकानों को बैनर और पोस्टरों से पाटने का काम किया गया था। तो सीधे तौर पर जो सांसद साक्षी महाराज हैं पूरी तरीके से विकास कार्यों को छुपाने की कोशिश की थी, और ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि सांसद साक्षी महाराज का 10 साल का विकास कार्य कैसा रहा है। तो सामने गांव की जो बदहाली है वो बयां करती तस्वीरें साफ देखी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ उन्नाव से विपिन शर्मा, न्यूज वन इंडिया, उन्नाव। तिरपाल एक वो पड़ा, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, ये तिरपाल तो पड़े नहीं, जब मुख्यमंत्री आए थे तब भी पड़े थे, ढक दिया गया था, मोल्डिंग लगा दी गई। क्यों लगाई गई थी? अब हमको क्या मालूम क्यों लगाई गई थी। नहीं, ये बताया जाता कच्चे मकान वगैरह ना दिखे। हाँ, मोल्डिंग लग गई रहा है, चवासुर बल्ली गाड़ी लग गई रहा है। आप लोग कहाँ थे? हम तो ये पता लग रहा है कि 1:30 बजे आएंगे, तो हम तो रब्बी सींच रहे थे। दादा, ये कौन सा गांव है? ये टीकरगढ़ी है। अच्छा, जिसको साक्षी महाराज ने गोद लिया है। उनका कहना यह है कि गांव वालों ने हमें गोद लिया है। 10 साल हो गए, 10 सालों में किस तरह का कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नाली सड़क खड़ंजा कुछ नहीं हुआ, मतलब गांव बदहाली की स्थिति में है। ये खड़ंजा जो लगा है अभी 2 महीने पहले लगा है। अच्छा, 10 सालों से कोई विकास नहीं कराया? कुछ नहीं विकास हुआ, नहीं। और इसी सब पूरा दारा पुल लगे तो बंद रहा है तेरे तीरते ऊंचे कहूँ देखा भी रहा कुछ हो। कच्चे मकान बताते हैं बंद कर दिए गए थे। और रुका जी, सब बंद रहे, यहाँ को देख ही नहीं पाई, गाँव नहीं देखी पाई, तो वहाँ मकान का देखी पाई हैं। जब गाँव नहीं देखी मिली है तो मकान का देखे मिली हैं। एक ही नल है पूरे, ये 2-4 मोहल्ले के लोग इसी में लेने को पानी आते, सुबह लाइन लगा के पानी भरना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच बनाने के लिए भी लेट होता है। तो नाव के कई गांव ऐसे हैं जिनके हालात बद से बदतर हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो सांसद गांव ले रहे हैं, गोद ले रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। और जब किसी बड़े चेहरे का यहां पर जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है तो पोस्टर्स बांधने से क्यों उन मकानों को पाट दिया जाता है, बहुत गंभीर बात है, सोचने की बात है। इस पर क्या एक्शन आगे लिया जाएगा, इसका इंतज़ार है।